Hi everyone, my name is Dr. Amir. I'm currently working as a SR in neurosurgery at AIIMS Bhubaneswar. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट एग्जाम में OMR शीट कैसे फिल करनी है और किस तरीके से मैं अपनी OMR शीट को फिल करता था। OMR शीट का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि ऊपर उसके आपके पार्टिकुलर्स होते हैं और नीचे वाले हाफ में क्वेश्चंस के नंबर लिखे होते हैं जिनमें आपको अपना रिस्पॉन्स फिल करना होता है। तो पेपर शुरू होने से पहले ही ऊपर वाले पार्ट के जो पार्टिकुलर्स हैं उनको ध्यान से एडमिट कार्ड से रोल नंबर वगैरह अच्छे से देखकर फिल करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ एक OMR शीट आती है। आपको कोई सेकंड OMR शीट नहीं मिलेगी। अगर वो गलत हो गई तो बहुत हाई चांस है कि आपका OMR शीट डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो प्लीज़ ध्यान से एंट्री करें। नीचे वाले पोर्शन में क्वेश्चंस के नंबर लिखे होते हैं, हर क्वेश्चन के आगे चार खाली सर्किल होते हैं, ABCD उनमें लिखा होता है। तो हर एक क्वेश्चन का करेक्ट रिस्पॉन्स आपको उसी क्वेश्चन नंबर पर OMR शीट में भरना होता है। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक सही आंसर होता है और आपको सिर्फ एक सर्किल में एंट्री करनी है, बाकी किसी में ज़रा सा भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर बाकी किसी में भी टच कर देंगे तो स्कैनर ये मानेगा कि आपने डबल एंट्री की है और वो उस क्वेश्चन को इनवैलिड कर देगा। मैं हमेशा एक मोटे पॉइंट का बॉल पेन लेता था। आपको भी सजेस्ट करूँगा एक बॉल पेन से ही एंट्री करें और अच्छे से सर्किल को डार्क कर दें और उसकी आउटलाइंस जो भी दी हुई है सिर्फ वहीं तक एंट्री करें, एक्स्ट्रा उसमें कुछ एंट्री ना करें। मैं जनरली ये करता था कि एक पेज पर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक 10 से 12 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एक पेज पर, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। उसके बाद नए क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। एक बार जब 10 से 12 क्वेश्चन की एंट्री हो जाएगी OMR शीट में, उसके बाद अगले पेज के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम में टाइम आगे बढ़ता जाता है थोड़ा प्रेशर आता जाता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी एंट्री करनी है। तो जल्दी जल्दी एंट्री करने के चक्कर में एंट्री गलत सर्किल में हो जाती है और फिर आपने क्वेश्चन पेपर में सही मार्क किया लेकिन अगर आपने एंट्री गलत कर दी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा बोल कर एंट्री करता था, लाइक 3 का D, 4 का C, 15 का A। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप भी हमेशा बोल कर एंट्री करें, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ है, लोगों को क्वेश्चन सही से आता था, सॉल्व भी सही से कर लिया था लेकिन सर्किल फिल करने में, गोला फिल करने में गलती कर दी और उससे रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इन शॉर्ट आई सजेस्ट यू ऑल के एक पेपर पर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी एंट्री पहले OMR शीट में कर लें, बाद में आगे के क्वेश्चंस पर पढ़ें, बोल के एंट्री करें और लास्ट के लिए रोक कर ना रखें। सैम्पल OMR शीट गूगल से डाउनलोड कर लें और एटलीस्ट 2 या 3 पेपर इस तरीके से OMR शीट में फिल करके दें के जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हैं। उससे होगा कि आपकी OMR शीट को फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने से पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लें, मैं बता दूंगा किस तरीके से इंडिविजुअली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। 19 के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करें, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोचें और क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचें। आई विल सजेस्ट कि एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा एंग्जाइटी और एक्स्ट्रा थिंकिंग अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू एट इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ताकि सब लोग देख सकें किस तरीके से OMR शीट को फिल करना है, क्या सही तरीका है OMR फिल करने का। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।